बच्चा है ना दोपहर की ब्रॉनी ब्रॉनी आपको भी देते हैं। ब्रॉनी भी खाना मांग रही है। आप कढ़ाई क्या करी खाओगे? हाँ हम जी कढ़ाई खाने लगे हैं और फिर आपको दिखाते हैं, लुक आपको दिखाता हूँ कढ़ाई की। बहुत ही मज़े की और यमी लग रही है। जब मैं घर इंटर हुआ था ना तो मुझे बहुत ही मज़ेदार खुशबूएं आ रही थी। अभी इस टाइम 11-12 बज रहे हैं। मैं ज़रा काम से आज गया हुआ था, बाहर अभी आया हूँ। हाँ जी उस वो पागल हुई भी है छोटी ब्रॉनी। ये भी पागल हो रही है। आंखें कैसे चमक रही हैं। बस इतनी सी जी। ये चपाती मैं लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ। तो अब जरा लेते हैं। ये देखें ये चीखी जा रही है। अच्छा जी ये मैं ले रहा हूँ। ओ उसके हिस्से का नीचे गिर गया। उफ, इतनी टेस्टी, इतनी जबरदस्त, इतनी टेस्टी, यकीन माने मजा आ गया। कैसी है? पहली बाइट लेते ही मजा आ गया, बहुत टेस्टी। मुझे तो यकीन माने इतना मजा आया। अभी मैं खाना एंजॉय करता हूँ और फिर हम बाद में बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत लजीज। अरे यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, रात के खाने के बर्तन धो के सोते हैं हम। और साथ वो बर्तन धो रही है और मैं चाय बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैडम ब्रॉनी हमारा नीचे वेट करें। नोरी ये ले बैठी हुई है चिकन की लालच में। नोरी ने खाना खा लिया। छोटी ब्रॉनी भी बैठी है चिकन की लालच में। ये सारे बच्चे यहाँ पे चिकन की लालच में बैठे हुए हैं। ये क्या करने लगी हो? वो डिटॉक्स वाटर में अपना रात की बना के रख देती हूँ ना। फजैल आपकी बहुत बुरी आदत है, आप क्यों ग्लास में पानी छोड़ते हो? इतना बड़ा एक लीटर का ग्लास है कि पिया ही नहीं जाता। हाफ डाला करो ना, आप क्यों पानी वेस्ट करते हो? मैं अब हाफ ही डालूंगा। आप इतना नहीं पी सकते, आप हाफ डाला करो। ये लो वहाँ पे रखो। वाह कॉफी, माशाल्लाह चाट रही है खुद को। कॉफी आप छोए हुए थे, उठ के आ गए हो। बहुत पाली, माशाल्लाह। फ्लोरा को देखो, कुछ कहने आई है आपको? फ्लोरा क्या कहने आई हो? फ्लोरा क्या चाहिए? नूरी आपको क्या चाहिए? नूर अच्छा, इनके पैदा होने से ना नूर बहुत खुश है। नूर इनकी नूर, फ्रेंड बन गई है। नूर को फ्रेंड्स मिल गए हैं अपने, जिससे नूर बड़ी खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। ब्रॉनी ये क्यों रो रही है? ये तुम्हारी बेटी, खुद तुम छोटी सी और बेटी भी तुम्हारी पैदा हो गई है। ब्रॉनी बच्चों के ना आज जो है वो कैबिनेट जो है वो साफ करते हैं।
उसमें से जो एक्स्ट्रा पैकेट्स है ना वो सारे निकाल के फेंकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी बिस्किट जो है वो मैं कहाँ पे रखता हूँ। वैसे तो हम लोग आप लोगों को दिखाते रहते हैं ना कि हम कौन सी फीड कैट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो अब हमारा न्यू फीड का बैग आया, आपको दिखा देते हैं अभी। ये देखें, आज ये न्यू फीड का बैग आया है, इसको ओपन करते हैं। अटो बहुत मशीन जी, ये निकाल के बाहर फेंकते हैं। चलें जी, ये सारे एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं निकाल के बाहर फेंकते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ये रेफ्लेक्स जो है हम ये यूज़ करते हैं, बड़ी ही आउटस्टैंडिंग फीड है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी जो लोकल फीड्स हैं वो ना आपके कैट्स का बेड़ा गर्क कर देती हैं, किडनी को स्पॉइल कर देती हैं। हर चीज़ जो है ना 2 से 3 साल बाद आपको पता चलता है, जब आप वो बीमार होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है या तो इसे यूटीआई प्रॉब्लम है या तो किडनी का प्रॉब्लम है। हमें 3-4 साल हो गए यूज करते हुए और हम सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह से, हमारी कैट्स बीमार नहीं होती। कहाँ से करते हो? और हम बड़ी कैट्स को भी यही देते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे इसके दाने हैं ये, और वो अंदर घूम चले गए। चलो बाहर आ जाओ फ्लोरा। बलोनी मम्मी, बलोनी सबसे ज्यादा मासूम बलोनी है। ये है मेरी चाय, और अक्सर हम लोग डिनर के बाद पीते हैं, और ख़ास तौर पे अगर दूध घर में बच जाए ना दोपहर का, तो फिर तो लाजमी पीते हैं। तो अभी मैं चाय पीने लगी हूँ, और वही वाली फ़ुज़ैल की रेसिपी से बनाई गई है, जो फ़ुज़ैल बहुत मज़े की बनाते हैं ना, वही वाली चाय है ये। मिनी मिनी, आपको मफिन इतना अच्छा लगता है, मिनी को मफिन? मफिन नहीं सुनता। मफिन सुन रहा है। मिनी मिनी दूध पी रहे मे भी? अच्छा मिनी, मफिन मफिन मफू, फिर हम उसकी वो जगह वॉश करते हैं, कारपेट भी इनको वही बिछा दो या ऊपर से बोरी बिछा दो ला। ये देखें बच्चों को ना यहाँ पे धूप में लिटाया हुआ, नीचे गैरेज में लिटाया हुआ। और देखें बच्चे, आप कह रहे थे ना कल के आप दिखा नहीं रही हैं पप्पी, तो ये देखें थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रही हैं। इसमें से मैंने जेंडर चेक किया, 4 लड़की हैं 3 लड़के हैं। ये तो बिल्कुल जेनी जैसा ही ये लड़का है। जेनी
जेनी जरा चेंज हो गई, धूप में बैठ जाओ। जेनी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। पौधा तुम्हारा बड़ा हो रहा है ना, खिल रहे हैं ना, इन्होंने ना अपनी जड़ें पकड़ ली हैं। छोटा भी बड़ा हो रहा है, जमीन में जड़ें पकड़ ली हैं अपनी। और जी ये ना अभी सुबह का ही टाइम है, 10 बजे का टाइम है, तो ये अंदर वाले प्लांट्स की भी ना मैं कटिंग करती रहती हूँ मंथ में एक दफ़ा तो लाजमी करती हूँ। इसके जो पत्ते होते हैं ना एजेस से इस तरह से येलो होने लग जाते हैं, तो ये मैं मंथ में एक दफ़ा ज़रूर कट करती हूँ। और इंशाल्लाह आज या कल टाइम निकाल करना तो मैं इनकी भी कटिंग कर लूँगी ताकि ये फ़्रेश हो जाए, क्योंकि अगर ना कटिंग करो ना तो इसका पूरा पत्ता इस तरह से ना येलो हो जाता है, जल जाता है, तो ये ना ज़रूरी होती है। और ये वाला मेरा जो एक प्लांट है इसको शायद कोई कीड़ा लग गया, इसके अंदर कोई दवाई डालनी पड़ेगी, वो जो माली आता है फिर उससे कहूँगी कि देखो इसको क्या मसला है। ये देखें आज मैंने कितना प्यारा एग बनाया है बाय जैनी, और उसके बच्चों का बहुत शोर है गैरेज में। अच्छा चलिए उसे इग्नोर करें। ये देखें मैंने ना आज पानी में एग बनाया और कितना मज़े का बना है, तवे पर बनाया है हल्का सा पानी डाल के, और मतलब ये ऑयल फ्री है बिल्कुल ना, और इतना परफेक्ट अंडा बना है, ना ओवर कुक है, बड़ा मज़े का है। तो आज तो खैर मैंने ये बना लिए, कल जब दोबारा बनाऊंगी ना तो फिर आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। ये देखें जी मिनी ने फीड करवा लिया, जब मैं फीड जब बच्चों को सबको अंदर कर रहा था ना तो मिनी इनको ना फीड करवाने लग गई थी, अब जब सब बच्चे अंदर चले गए तो मिनी ने फीड करवाना छोड़ दी है। ये रही मिनी, और ये देखें ये खुद ही लगा हुआ बिस्किट का ढक्कन खोल के और बिस्किट खाने, और किचन में आपको लेके चलते हैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। वाह ये तो मेरी फेवरेट चीज बन रही है, हैं? ये भी है और ये भी ढेर सारे, आज मैं शामी कबाब बना के रखती हूँ। औरतें बड़ी मेहनत करती हैं, फिर मर्द मजे लेते हैं खानों के। शामी कबाब में बहुत मेहनत है ना, तो मैं इसीलिए ना इसको एक साथ ही ज्यादा बना कर रख रही हूँ। औरतें इतनी मेहनत से बनाती हैं और मर्द आते जाते खाते हैं, बच्चे भी जैसे कि आप जैसे कि मैं जैसे कि और लोग भी, दो सुबह खा लिए दो शाम को खा लिए हैं। कुछ के घरों में तो अम्मियाँ चीखती भी होंगी कि बस करो मैं इतनी मेहनत करती हूँ मेहमानों के लिए रहने दो। मेहमानों के लिए ज़्यादातर लोग बना कर रखते हैं, लेकिन घर वालों को खाना चाहिए ना, घर वालों का क्या कसूर है। लेकिन हम तो खुद ही खा के खत्म कर देते हैं। हाँ मेहमान है उनको भी खिलाते हैं लेकिन खुद भी खाते हैं, जिसका नसीब होता है वो खा लेता है आकर। अब जितने दिन ये फ्रिज में रहेंगे कोई आएगा तो वो खाएगा ही ना ऑब्वियसली। सही बात है, इतने ज़्यादा हमें क्या करने, ये मेरी एक आदत है। अभी इसमें मैंने और चीज़ें डाल दी हैं स्पाइसेस, अभी तीखे होंगे ज़रा। बहुत मज़े के हैं, मुझे भी दो जो खा रहे हो जी। अच्छा दिन का जो टाइम होता है ना हमारा बहुत बिजी गुजरता है ना, असर तक हम लोग बिजी ही रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, और इस टाइम लाइट भी नहीं होती है। इस टाइम लाइट नहीं होती जब हमने ब्लॉग शूट करना होता है। हाँ सारी आपको एक्टिविटी दिखाएं, लाइट होती नहीं है, अभी भी फ्लैश ऑन करके बन रहा है। मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए थे, इस दफा इतने बड़े नहीं बनाने। मैं ब्रेड नहीं लाया, मुझे पता था मैंने पूरी ब्रेड ही दिखाऊं कैसे बनाऊं। इतनी भी बोल लेनी है, आइडिया कर लो। ऐसे नहीं, ये ना हो मैं बनाना सीख जाऊं फिर तुम मुझसे बनवाओ। ये देखो ऐसे गोल गोल बनाओ पहले हाथ में, फिर उसको ऐसे दबाओ, ऐसे हैं ऐसे दबा करना, फिर उसे ऐसे
बढ़ गई और फिर उसको ऐसे ऐसे अब ऐसे घुमाते जाओ ना। देखें जी, सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे बंदा ट्रेन नहीं करता। मैं वैसे कर लिया अब थोड़ा सा इसको, ये देखो मैं बताती हूँ, ये मैंने बॉल ली, हाँ इसको मैंने ऐसे ऐसे गोल कर लिया, हो गई गोल। अब इसको ना ऐसे ऐसे रुको ऐसे उठा कर ना ऐसे ऐसे इसको बढ़ाते रहो थोड़ा सा। ये जो मुझसे हो रहा है ये बताती हूँ ना, पहले बढ़ा लो, अब हो गया बढ़ गया। अब इसको हाथ पर ऐसे ऐसे करके ना इसको बॉल सर्कल स्मूथ कर लो, इसको देखो पता चल गया, ये देखो ऐसे करके ना राउंड शेप दे देंगे, ये देखो ओ बना लिया मैंने अभी। ये देखो बन गया, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है सीखने की, इंसान सब कुछ सीख जाता। देखो पास करो, हाँ बस इसको हाथ पे रख के थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना, जरा थोड़ा सा स्मूथ कर लो, ठीक है ठीक है। नहीं छोड़ दो, मैं कुछ बना देती हूँ अपने, देखो मुझसे नहीं बन रहा, मैं कुछ बना देती हूँ मुझसे नहीं बन रहा, औरतें बहुत 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 मेहनत वाले काम कर लेती हैं। तो एक सब खाने में कितना आसान लगता है। और क्या? अच्छा कुछ मर्द कहते हैं खाना खाने के बाद कि हमें मजा नहीं आया, वो ये नहीं देखते उसके लिए औरत ने सुबह से लेके शाम तक मेहनत की है और उसका दिल तोड़ देते हैं। अगर आपको मजा नहीं आया तो अपने दिल में रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत तो नहीं है, क्यों बुरी बात है ना। जो आप जो सुबह से लेके आप शाम तक आपकी मेहनत करके आपके लिए खाने बनाता है, आप उसका दिल दुखाते हैं। बल्कि हस्बैंड को चाहिए अपनी बेगम की हर टाइम तारीफें करे, है ना, जैसे मैं करता हूँ। मैं तो ओरिजिनल तरीके से सच में करता हूँ ना। अच्छा एक तुम्हारे उस तरफ बैठा है, एक पीछे बैठी है और एक उधर बैठा है, और तीनों की ना तुम्हारे हाथों पे नजर है। देखो इस साइड वाली का, राइट वाली को, ये राइट पे कौन है और लेफ्ट पे कौन है, नूरी और ब्राउनी मैडम खेल रही है वो चाबी वाली गुड़िया। मुझे तो सारा दिन ही लग गया शामी कबाब बनाते हुए, वीना पकाते हुए, पीसना उसको फिर बनाना, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल से मतलब मेहनत वाला काम है ना, तो मैं जब भी बनाती हूँ फिर ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो मैंने 1 किलो दाल और 1 किलो चिकन से मैंने बना लिए हैं ढेर सारे कबाब, और बस इनको ना क्लिंग रैप करके ना, तो इनको मैं अब रखती जा रही हूँ प्लेट में, जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर जिप लॉक बैग में डाल कर रख लूँगी, और ये मेरे काफ़ी दिन अब चल जाएंगे ईजीली ना। मैं भी खाऊंगी, फुजैल भी खाएंगे। ये तो कबाब्स का टावर बन गया है, माशाल्लाह ढेर सारी क्वांटिटी में बन गया। तुम यहाँ तो स्लाइस देना है। हाँ मुझे हाफ स्लाइस दे दो। That's it. और ये देखें अपना टावर, ये देखें अपना टावर। चाची आप क्या देख ले हो? चाची चाची खा ना। नहीं साशा कुछ नहीं लग रहा। मैंने ना कल चिकन मैरिनेट करके रखा था, टिक्के की मैरिनेशन की हुई है, ये दोनों को टिक्का की मैरिनेशन की हुई है, तो ये तो मैं टिक्का बना कर रख लूंगी अपने लिए जब भूख लगेगी तो डेली के ना 100 या 150 ग्राम्स को माइक्रो करके खा लूंगी, और ये हम लोग आज डिनर में खाएंगे। और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है रिदा फुजैल व्लॉग्स पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत कमाल का टिक्का बनता है। और ये है मेरी शाम की चाय, और साथ में 2 कबाब फ्राई कर लिए हैं, और हाफ स्लाइस मैंने ले लिया है ब्रेड का, मल्टी ग्रीन ब्रेड मैंने ले ली है,
तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।